जय हिंद एवरीवन, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। पहले तो आप सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई हो। एंड आज इंडिपेंडेंस डे की शुरुआत हम करेंगे मेरी माटी मेरा देश। रिसेंटली मन की बात में 103rd एडिशन में प्रधानमंत्री ने यहाँ पर एक कैंपेन स्टार्ट करवाया, मेरी माटी मेरा देश, जिसका स्लोगन दिया गया मिट्टी को नमन वीरों का वंदन। यहाँ पर इसका बेसिक अगर मैं कहूँ बेसिक एम क्या था, तो उन ब्रेव हार्ट्स को यहाँ पर, उन ब्रेव हार्ट्स जिन्होंने देश के लिए यहाँ पर जान दी गई है, उनके लिए एक अमृत वाटिका, जहाँ पर हमारा अभी नेशनल वॉर मेमोरियल बना हुआ है दिल्ली में, उसके पास में यहाँ पर एक और अमृत वाटिका बनाया जा रहा है, जिसमें नाम से पता लग रहा होगा को माटी, अलग अलग जगहों से माटी आएगी, अलग जगहों से कलश में ऑलमोस्ट 7500 उसके बाद यहाँ पर एक अमृत वाटिका उन ब्रेव हार्ट की याद में बनाया जाएगा। सो अगर हम इसका बेसिक एम लें, इसका मेन थीम क्या है, टू पे ट्रिब्यूट टू द वीर्स हु लेट डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री, जिन्होंने हमारे देश के लिए यहाँ पर जान दी है। सेकेंड, नेशन वाइड पूरे देश में एक जन भागीदारी प्रोग्राम चलाए जाएंगे, जो कि विलेज लेवल से स्टार्ट होगा एंड नेशनल लेवल तक ही होगा। थर्ड, सॉइल्स फ्रॉम वेरियस कॉर्नर ऑफ द कंट्री, अलग अलग जगहों से शुरुआत होगी पंचायत से, एंड उसके बाद उसको दिल्ली में लाया जाएगा, एंड उसके बाद दिल्ली में अमृत कलश यात्रा यहाँ पर फॉर क्रिएटिंग द अमृत वाटिका, डेट मीन्स एक गार्डन क्रिएट किया जाएगा नेशनल वॉर मेमोरियल के पास, कर्तव्य पथ के अलोंग द बॉर्डर्स पे भी ये आगे जाएगा। सो मेरी माटी मेरा देश बहुत अच्छा कैंपेन, यहाँ पर जो भी हम 75th आजादी का अमृत महोत्सव उसको यहाँ पर कंक्लूड करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने रिसेंटली अपने मन की बात में मेरी माटी मेरा देश कैंपेन की बात करी है। आप सबका राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। हम डिस्कस करते हैं पहले तो कि इसके कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं एंड उन कॉम्पोनेंट्स के अंदर क्या क्या यहाँ पर सरकार ने बात बताई है। रिसेंटली आपने देखा कि योगी जी ने अपनी सेल्फी के साथ इसको स्टार्ट करा, इस महीने ये कंक्लूड हो जाएगा मेरी माटी मेरा देश। एंड इस कैंपेन की अगर मैं बात करूं तो जो आजादी का अमृत महोत्सव जो 12 मार्च 2021 को स्टार्ट हुआ था, उसका एक ही कंक्लूडिंग इवेंट है। आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसको कंक्लूड कर रहा है, एंड इट विटनेस्ड पब्लिक पार्टिसिपेशन जन भागीदारी ओवर 2 लाख प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस द इंडिया, राइट फ्रॉम द ग्राम लेवल, ग्राम पंचायत लेवल टू द नेशनल लेवल, ऑलमोस्ट 2 लाख प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए हैं। 9 से 30 अगस्त तक ये कैंपेन है मेरी माटी दिस मेरा देश कैंपेन, जिसमें विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, हर लेवल पर प्रोग्राम्स होंगे बाय द लोकल अर्बन बॉडीज एज वेल एज द स्टेट एट नेशनल लेवल। दैट मीन्स विलेज से स्टार्ट होगा, नेशनल लेवल तक वेरियस प्रोग्राम्स होंगे। एंड बहुत अच्छा प्रोग्राम है, एक पूरे गांव को पता लगेगा कि उनके गांव में से यहां पर किस किस ने देश के लिए यहां पर जान दी है, जिस कारण आज हम हंस रहे हैं, जिस कारण मैं आज ये लेक्चर ले रहा हूं, क्वाइट ऑब्वियस है उन्हीं लोगों के कारण ले रहा हूं, बिकॉज वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। एंड आप सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन आपके वॉरियर्स हैं, कौन आपके देश की सुरक्षा कर रहे हैं, कौन बॉर्डर्स पे खड़े होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। बहुत अच्छा कैंपेन है ये सरकार का। नाउ सबसे पहले तो कहा गया है कि एक मेमोरियल बनेगा, जैसे अभी नेशनल वॉर मेमोरियल बना हुआ है आप दिल्ली जाएंगे, नेशनल पुलिस मेमोरियल बना हुआ है जहां पर आपको पता लगता है कि किस किस पुलिस ऑफिशियल्स ने यहां पर जान दी है देश के लिए ऑन ड्यूटी, एंड किस किस यहां पर वॉर मेमोरियल्स, सभी इंडियन एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज, अलग अलग फोर्सेज के यहां पर प्रॉपर एक आप देखेंगे कि एक मेमोरियल बना हुआ है। यहीं पर इसमें भी पहला कॉम्पोनेंट यही है कि मेमोरियल बनाया जाएगा हर एक ग्राम पंचायत पे और विलेज लेवल पे, जिसमें उन सभी फ्रीडम फाइटर्स की, स्टेट के पुलिस पर्सोनल्स की, डिफेंस पर्सोनल्स की, फ्रीडम फाइटर्स की, सबके यहाँ पर नाम होंगे जिन जिन्होंने यहाँ पर देश के लिए जान दी है इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पर गांव में मोटिवेशन मिलेगी, पेट्रियोटिक फैक्टर लोगों के बीच में बढ़ेगा जब उनको पता लगेगा कि उनके गाँव से इन इन लोगों ने यहाँ पर देश के लिए जान दी है। ओके, सेकेंड इज वसुधा वंदन, यहाँ पर वसुधा वंदन, ठीक है, 75 सैपलिंग्स जो हैं इंडिजीनियस स्पीशीज की, वो हर एक ग्राम पंचायत में यहाँ पर प्लांट की जाएगी, जिसके साथ क्रिएटिंग एन अमृत वाटिका जो कि रिन्यूअल ऑफ मदर अर्थ को भी सिंबलाइज करेगा। एंड क्वाइट ऑब्वियस है इसके बहुत सारे इकोलॉजिकल बेनिफिट्स होंगे, सॉइल कंजर्वेशन होगी, वाटर रिचार्ज होगा,
बायोडाइवर्सिटी इनहांस होगी यहाँ पर और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी होगा। तो इन सब का सैपलिंग्स का यहाँ पर जब आप प्लांट करेंगे सैपलिंग्स क्वाइट ऑब्वियस है एनवायरमेंटल यहाँ पर बेनिफिट्स भी इस प्रोग्राम के थ्रू आपको देखने को मिलेंगे। थर्ड इज द अमृत वाटिका, जो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नेशनल वॉर मेमोरियल के पास में यहाँ पर एक और गार्डन क्रिएट किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसका ये कॉम्पोनेंट है। कर्तव्य पाथ आपको पता है लास्ट ईयर इसका नाम चेंज कर दिया गया था, जिसमें अब इस गार्डन में जो सॉइल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों से आएगी। यहाँ पे वॉलंटियर्स को रखा गया है जो ग्राम पंचायत यहाँ पे इस लेवल से ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक लेवल से दिल्ली तक इस क्या कहते हैं मिट्टी को लेकर आएंगे। इस मिट्टी में क्या होगा ये सिंबलाइज करेगी ब्लड एंड स्वेट ऑफ द मैन एंड वुमेन जिन्होंने देश की फ्रीडम के लिए यहाँ पर जान दी है। क्वाइट ऑब्वियस है इस मिट्टी में एक अलग खुशबू होगी जो कि वैलर फ्रीडम फाइटर्स की जो वैलर है उनका ब्लड और स्वेट को यहाँ पर दिखाएगा एंड उससे फिर एक अमृत वाटिका बनाया जाएगा नेशनल वॉर मेमोरियल के पास में। वीरों का वंदन, वीरों का वंदन जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं सीएपीएफ के पर्सनल हो गए पैरामिलिट्री के पुलिस के हो गए उन सबकी फैमिलीज को सैल्यूट किया जाएगा यहाँ पे सैल्यूटिंग देयर फैमिलीज। इससे एक्नॉलेज किया जाएगा कि उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इस देश की फ्रीडम के लिए सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर एक तरीके का एक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया जाएगा। मैंने आपको जैसे बताया जो आज मैं ये खुश होके ये जो लेक्चर ले रहा हूँ क्वाइट ऑब्वियस है इस फ्रीडम के पीछे इस स्माइल के पीछे यहाँ पर जो लोग यहाँ पर ऑन इन लाइन ऑफ ड्यूटी बॉर्डर्स पे हमारी रक्षा कर रहे हैं उनके कारण ही हम ये कर पा रहे हैं। इट विल बी डन एट वेरियस लेवल सो दैट उनकी फैमिलीज को यहाँ पर एक्नॉलेज किया जाए ग्रेटिट्यूड दिया जाए रिस्पेक्ट दिया जाए उनके सर्विसेज में। ओके कैंपेन की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, यंग वॉलंटियर्स मैंने आपको बताया कि सॉइल को यहाँ पर गैदर करेंगे पंचायत से हैमलेट से ठीक है एंड ब्लॉक लेवल पर लेकर आएंगे एंड उसके बाद मिट्टी के कलश पॉट ऑफ सॉइल यहाँ पर दिल्ली तक आए जाएंगे एंड दिल्ली में एक स्पेशल गार्डन बनाया जाएगा अमृत वाटिका नेशनल वॉर मेमोरियल के पास में, जो कि यहाँ पर नेशनल इंटीग्रिटी और जो वॉरियर्स है हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के इन सबको यहाँ पर डिपिक्ट करेगी। एंड क्वाइट ऑब्वियस है पूरे इसे वर्ल्ड से ले लीजिए इंडिया से ले लीजिए जब जब कोई हमारे कैपिटल में आएगा और वो इस गार्डन को देखेगा तो वो हमारे जितने भी डिफेंस पर्सोनल है सीएपीएफ के पर्सोनल है पुलिस के पर्सोनल है या जो भी हमारे वॉरियर्स हैं फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके वैलर को देखेगा यहाँ पर कि किस तरीके से इन्होंने देश के लिए जान दी है। तो बहुत अच्छा ये कैंपेन है जो प्राइम मिनिस्टर जी ने शुरुआत की है एंड इसको लेक्चर को मैंने 4-5 दिन से होल्ड कर रखा था कि इंडिपेंडेंस डे इज अ परफेक्ट डे जिस दिन मैं इस लेक्चर को यहाँ पे लूंगा सो डैट यहाँ पर हमारे जितने भी यंग एस्पिरेंट्स हैं जो इस चैनल पे तैयारी कर रहे हैं सीडीएस की एनडीए की अग्निवीर की टेरिटोरियल आर्मी की एफकैट की डिफेंस की या किसी भी चीज की पुलिस की उनको पता लगे कि यस हमारे कौन कौन हीरोज हैं हैशटैग नो योर हीरोज सो डैट उन्हें पता लगे कि आगे जाके उन्हें किस तरीके से देश की यहाँ पर सुरक्षा करनी है। सो इसी के साथ आजादी का इंडिपेंडेंस डे का यहाँ पर हम पहला लेक्चर मेरी माटी मेरा देश इसको यहीं पर कंप्लीट करते हैं एंड विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माई टूडे सेशन। जय हिंद टू ऑल टेक केयर।